सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, फ्लिपकार्ट ने अपना एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया। अपने मोबाइल फोन से आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से आप कैसे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। ये एटीएम कार्ड आपको अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, सब बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, घंटे प्रेस करें ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस समय पर मिलती रहेगी। आपको प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। पहले से एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया, चलिए यहाँ से मैं इसको एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे करेंगे आपके पास इस तरह का यहाँ पर डिस्प्ले आपके पास यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे थोड़ा सर्च ले रहा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। इस पेज पर आएंगे, आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। जैसे आपको यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च करेगा। अगर यह एटीएम कार्ड एलिजिबल है तो तभी अप्लाई कर पाएंगे, अगर यह एटीएम कार्ड एलिजिबल नहीं तो ये एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। ये एटीएम कार्ड देखिए, यहाँ पर एटीएम कार्ड एलिजिबल है तो आपके ऊपर में एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पर ये एटीएम कार्ड नहीं आ रहा, चलिए मैं यहाँ पर गूगल से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सो मैं गूगल पर जाता हूँ। गूगल में जैसे यहाँ पर आप सर्च बारे में लिखेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुल के आपके पास यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे ऊपर की साइड आपको यहाँ पे थोड़ा आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे लिखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अनबॉक्सिंग कैशबैक, यहाँ पे लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास इस तरह का आपके पास एटीएम का लोगो आपके पास यहाँ पे जाएगा। इस तरह का आपको जो एटीएम कार्ड अप्लाई करेंगे आपके पास इस तरह का एटीएम कार्ड आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, यहाँ पे देखिए आपको पर शॉपिंग पर आपको 5% का आपको यहाँ पे कैशबैक दिया जाएगा। सब पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे आप रीड करके इसके यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे वीडियो दिया, वीडियो आप देख के समझ सकते हैं क्या क्या वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए अगर ये एटीएम कार्ड एलिजिबल है तो आपको अप्लाई न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ये एटीएम कार्ड एलिजिबल नहीं तो आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू का ऑप्शन देगा। मेरे एटीएम कार्ड के एलिजिबल है तो देखिए मेरे पास यहाँ पर अप्लाई न्यू का ऑप्शन आ गया। मैं अप्लाई न्यू पर जैसे क्लिक करता हूँ, अप्लाई न्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का पेज आपके पास खुल के यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे फुल नाम डालना, आपको मदर का नाम डालना, मेल है कि फीमेल है, आप मैरिड है कि सिंगल है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे डालना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आपको चूज़ करना है, क्या चीज़ है पोस्ट ग्रेजुएशन की ओनली ग्रेजुएशन, वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपको यहाँ पे पैन नंबर डाला, आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है। यहाँ पे चलिए पैन नंबर डाल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर में आपको मैं डाल देता हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पे पैन कार्ड आपको ले लेगा। पैन कार्ड पहले भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। आपको एनुअल इनकम डालना है, आप कितना इनकम ले कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर इनकम डालने के बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट टाइप में इसमें क्लिक करना है। मैं यहाँ पे बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंकिंग सिलेक्ट करने की पूरी डिटेल्स मैंने डाल दिया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको ईमेल आईडी डालना, आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जाएगा, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना, जिस एड्रेस पर एटीएम कार्ड डिलीवरी करना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना। चलिए पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। आपको यहाँ पे हाउस नेम डालना, आपको लोकेशन डालना, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब सारी डिटेल्स आपको डालेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करना। आप ये डिलीवरी कहाँ कराना चाहते हैं, कहीं वर्किंग करते हैं वहाँ पे कराना चाहते हैं या कॉरेंट में कराना चाहते हैं। मैं जहाँ पे एड्रेस डाला वहीं पे मंगाना चाहता हूँ। मैं इस पर कॉरेंट पर क्लिक कर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ प्रोसेसिंग ये ले रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करें आपके इस तरह का यहाँ पर आपके पेज यहाँ डम्स को एक्सेप्ट करना है। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल कर आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, आप वेरीफाई पे क्लिक कर देना। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग यहाँ पर चल रहा है, योर एप्लीकेशन हैज बीन शेयर विथ बैंक। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है, तो आपको यहाँ पर वेटिंग करना है। आपको वहाँ पे वेटिंग करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी यहाँ पे आपको दे दिया। यहाँ पे थैंक्स योर फॉर एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड योर टर्न, ये आपको आईडी दे दिया गया। स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, मेरा डिलीवरी कहाँ तक आया। यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर शो करा दिया गया। यहाँ पे देखिए अप्रूवल फॉर बैंक, आपको यहाँ पे 5 मिनट में अप्रूवल बैंक करेगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पैकेज 1 डे आपको लग जाएगा। यहाँ पे
कार्ड जनरेट वन डे, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर आ जाएगा तब यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा। देखिए आपको रेफरेंस नंबर यहाँ दे दिया है, वो आप स्टेटस का चेक कर सकते हैं मेरा हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, यहाँ पे कस्टमर का नंबर दे दिया, कस्टमर से बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो आ रही है वो प्रॉब्लम यहाँ पे बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पर अगर पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।